सलमान और रणबीर का रिलेशन कैसा है इस बात को तो हर कोई जानता है। कटरीना कैफ की वजह से सलमान और रणबीर का रिलेशन हो चुका है इतना खराब कि दोनों एक दूसरे से मिलना तो दूर, एक दूसरे की शक्ल तक देखना नहीं चाहते। इतना सब होने के बाद भी सलमान और रणबीर ने शायद ही एक दूसरे के बारे में कुछ कहा हो, पर लगता है कि भाईजान अब आ गए हैं खुल्लम खुल्ला रणबीर से पंगा लेने के मूड में। सलमान ने कर ली है इस बात की पूरी प्लानिंग कि कैसे लेंगे वो रणबीर से अपना बदला। दरअसल इस साल के आखिर में संजय दत्त की बायोपिक रिलीज हो रही है और रणबीर कपूर है इस पिक्चर के हीरो, और ये फिल्म रणबीर के करियर की सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फिल्म है। ऐसे में रणबीर के लिए फिल्म की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। इस समय रणबीर का करियर एक तरफ से वेंटिलेटर पर है। एक फ्लॉप फिल्म भी रणबीर को टॉप एक्टर्स की लिस्ट से बाहर कर सकती है। रणबीर के इस करियर के सिचुएशन का फायदा उठाने जा रहे हैं सलमान खान। तभी तो सलमान ने टाइगर जिंदा है की रिलीज की डेट वही फाइनल की है जिस दिन पर रणबीर की मूवी रिलीज हो रही है। सलमान खान मोरक्को में कटरीना कैफ के साथ टाइगर जिंदा है की शूटिंग कर रहे हैं। अब अगर ये क्लैश होता है तो इसमें कोई शक नहीं कि इससे दोनों मूवी को नुकसान पहुंचेगा। लेकिन जिस तरह का रिस्पॉन्स सलमान खान की पिक्चरों को मिल रहा है उससे ये कहना गलत नहीं होगा कि इस टक्कर का सबसे ज्यादा नुकसान रणबीर को उठाना पड़ेगा। हालांकि अभी तक रणबीर को लेकर फिल्म की कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुई है, इसलिए माना जा रहा है कि रणबीर कपूर अपनी फिल्म की डेट्स आगे पीछे कर सकते हैं, क्योंकि रणबीर की वजह से सलमान खान तो पीछे हटने से रहे, और जो हाल बॉक्स ऑफिस पर रणबीर की फिल्मों का हो रहा है उसको देख के तो सलमान से टकराना कतई ही ठीक नहीं। लेकिन फिर भी अगर ये टक्कर होती है तो टक्कर देखने वाली तो होगी। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये न्यूज़ पसंद आई तो लाइक का बटन दबाएं और ऐसे ही और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।